पर देखिए मतलब पांचों ईयरफोन है एंड इसका जो रिव्यू वगैरह है मैं वीडियो में दे चुका हूँ, तो इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह कैसी है, आपको इसमें से कौन सा परचेस वगैरह करना चाहिए। एंड बात रही पर नंबर 5 है वो है जबरोनी सब बस 30, एंड इसको मैं अराउंड 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है, फिर इसका जो बेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मैं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी। एंड यहाँ पर देखिए जबरोनी से काफ़ी सारे ईयरफोन्स वगैरह हैं एंड इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया था। एंड काफ़ी लोग डाउट रहता है इसमें से कौन सा परचेस करे कौन सा परचेस नहीं करे, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग वगैरह रहती है काफ़ी सिमिलर रहती है। यहाँ पर मेरे पास एक और भी ईयरफोन है जो कि है जबरोनिक्स का ब्रो, तो इसका जो बॉक्स अभी मेरे पास है नहीं, तो इसको मैं साइड में रखा हूँ अभी के लिए। एंड काफ़ी लोग डाउट रहते हैं इसमें कौन सा परचेस करें, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग रहती है 199 और 100 रुपीज़ के बीच में ही रहती है। तो इस वीडियो को मैं कोई क्लियर करने वाला हूँ कि आपके हिसाब से आपको कौन सा ईयरफोन लेना चाहिए। एंड मैं इसको रेट करूँगा 1 to 5 के बीच में, एंड जो सबसे अच्छा रहेगा उसको मैं 5 रेटिंग दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जबरोनिक्स कलेक्स की। तो इसको जो मैंने यहाँ पर अमेजोन से परचेस किया अराउंड 159 रुपीज़ में। इसकी जो यहाँ पर प्राइसिंग 399 है, बट मैंने इसको 159 रुपीज़ अमेजोन से परचेस किया था। एंड यहाँ पर जो इसकी करंट प्राइसिंग है वो है 299, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही है। मैं इसको अपना बॉक्स वगैरह ओपन करके दिखा देता हूँ, इससे जो कंटेंट वगैरह कैसे था एंड इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह मुझे कैसी लगी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका कुछ इस तरह का, देखिए व्हाइट कलर का डिज़ाइन मिलता है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बड्स वगैरह भी मिलते हैं, तो इसको भी रखता हूँ साइड में। एंड अब इसकी जो बड्स की डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एंड इसको काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक सिंगल बटन मिलता है कुछ इस तरह का, एंड इस तरह आपको देखिए जबरन से लोगो मिलता है, ये इसका माइक है। एंड बात करें इसे वायर वगैरह की, तो इसका वायर है एक सॉफ्ट टाइप में, आप देख सकते हैं इसका जो वायर वगैरह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड इसकी जो क्वालिटी है मतलब प्राइस वाइज ठीक है अराउंड 149 रुपीज़ में। एंड बात इसमें ड्राइवर वगैरह की, यहाँ पर आपको मिलता है 10 mm का ड्राइवर एंड इसकी जो लेंथ वगैरह है वो 1.2 मीटर्स की है। तो इसको भी रखता साइड में, आपको वीडियो का फाइनल बताऊंगा कि मुझे कौन सा एयरफोन ज़्यादा पसंद है एंड उसको मैं 1 to 5 में रेटिंग दूंगा। यहाँ पर जो मेरा सेकंड एयरफोन है वो है जबरोनिक्स बड्स 30, जो कि मैं करंटली अभी यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन में एंड इसी जो ऑडियो क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड बात इसे प्राइसिंग वगैरह की, तो मैंने इसको अराउंड 199 रुपीज़ में परचेस किया था अमेजोन से एंड करंटली अभी भी इसकी जो प्राइसिंग है अमेजोन पे सेम 199 रुपीज़ ही है। बात करें इसकी वायर की क्वालिटी वगैरह की, तो इसकी जो वायर क्वालिटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, बट इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है इससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। एंड बात करें इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर के, यहाँ पर आपको देखिए मल्टी फंक्शन बटन मिलता है वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज के लिए एंड प्लेन पॉज के लिए। एंड बात करें इसे माइक वगैरह के, तो आपको इसके अंदर इनबिल्ट माइक वगैरह मिलता है, तो आप इसे कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। एंड बात करें इसे ड्राइवर साइज वगैरह की, तो आप लोगों को मिलता है 14 mm का ड्राइवर, जिसकी वजह से जो बेस वगैरह है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर सभी एयरफोन्स में यहाँ पर आपको बड का डिज़ाइन नहीं मिलता है, ये देखिए आपको यहाँ पर देखिए आईफोन टाइप में एक डिज़ाइन मिलता है। अभी के लिए इसको हम साइड में रखते हैं एंड आते हैं अपने नेक्स्ट एयरफोन पे, जो कि है जबरोनिक्स ट्यूलिप। एंड इसकी जो प्राइस वगैरह थी अमेजोन पे अराउंड 120 रुपीज़ मैंने इसको परचेस किया था। एंड बात करें इसके करंट प्राइसिंग के, तो 149 रुपीज़ अमेजोन पर भी सेल में है एंड यहाँ पर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही कलर में इसको परचेस वगैरह कर सकते हैं। बात करें इसकी जो वायर की क्वालिटी वगैरह की, तो इसकी जो वायर क्वालिटी आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर जो क्लैक्सी वायर की क्वालिटी थी सेम टाइप में ही है, सॉफ्ट में मिलता है। एंड इसकी जो लेंथ वगैरह है अराउंड 1.2 मीटर्स की है। बात करते हैं इसे मल्टी फंक्शन बटन वगैरह की, यहाँ पर आपको देखिए सिंगल बटन मिलता है एंड इसमें आपको माइक वगैरह सपोर्ट मिलता है। ये इसका हेड है एंड आप इसकी जो हेड की साइज़ वगैरह देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसकी जो साइज़ वगैरह हेड की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से मुझे उतना पसंद नहीं आया था। एंड बात इसमें ड्राइवरों की, यहाँ पर आपको मिलता है 14 mm का ड्राइवर एंड इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है मुझे उतनी मतलब इम्प्रेसिव नहीं लगी थी ये प्राइस रेंज वगैरह में, तो इसको रखते हैं साइड में। आते हैं अपने नेक्स्ट एयरफोन पे, जो कि है जबरोनिक्स का ब्रो एंड इसको मैंने अराउंड 1 ईयर पहले परचेस किया था एंड अभी भी एयरफोन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड बात करें इसे डिज़ाइन वगैरह की, तो इसकी जो डिज़ाइन वगैरह मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी एंड इसका आपको मिलता है 10 mm का ड्राइवर एंड ये देखिए इसका जो डिज़ाइन वगैरह है उतना अच्छा नहीं था, बट अभी भी अच्छे से वर्क कर रहा है। बात करें मैं मल्टी फंक्शन बटन वगैरह की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल बटन मिलता है प्लेन पॉज के लिए एंड यहाँ पर अभी आपको देखिए एक माइक वगैरह सपोर्ट मिलता है। एंड बात करें इससे वाली क्वालिटी वगैरह की, तो काफ़ी अच्छी थी, इसको मैंने अमेजोन से अराउंड 179 रुपये में परचेस किया था, बट इसकी जो भी करंटली प्राइसिंग है अमेजोन में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है वो है 149 रुपीज़। तो अगर आप इसको चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं, बट इसका एक और सक्सेसर मॉडल है जो कि है प्रो, मैं आपको नेक्स्ट में दिखाने वाला हूँ, तो इसको रखते हैं साइड में। एंड आते हैं अपने यहाँ पर जबरोनिक्स से ZAB ब्रो प्रो पे, इसको मैंने रिसेंटली परचेस किया है एंड इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है मतलब अराउंड प्राइस वाइज काफ़ी अच्छी है एंड मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था अराउंड 179 रुपीज़ में एंड अभी इसकी करंटली जो प्राइसिंग है अमेजोन पे 199 रुपीज़ है। इसकी जो प्राइसिंग वगैरह थोड़ी सी बढ़ गई है, बट इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैंने इसको थोड़ा टाइम यूज़ भी किया है इसको। बात करें इसे मल्टी फंक्शन बटन वगैरह, यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिंगल सेम डिज़ाइन मिलता है जैसे बाकी के एयरफोन्स वगैरह मिलता है, आपके यहाँ पर एक माइक मिलता है जो कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह है काफ़ी एवरेज है कॉलिंग वगैरह में। एंड यहाँ पर आप वायर वगैरह देख सकते हैं काफ़ी पतला सा वायर है
इसका जो वायर काफ़ी ज़रा सॉफ्ट है, देखिए इसका जो वायर वगैरह है काफ़ी ज़रा सॉफ्ट है। बात करें इसी लेंथ वगैरह की, तो इसकी जो लेंथ है वो है 1.2 मीटर्स की। बात करें यहाँ पर जो एयरफोन मुझे सबसे कम पसंद आया है, जिसकी ऑडियो क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, वो है जबरोनिक्स का ब्रो। इसकी जो क्वालिटी है मुझे कुछ खास नहीं लगी, इसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ, क्योंकि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है या फिर इसका जो क्लैरिटी वगैरह है बेस वगैरह उतना अच्छा नहीं है। एंड बात करें पर सेकंड नंबर पे तो है जबरोनिक्स ब्रो प्रो। इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है सेम इसकी तरह ही है सर, वो बेस वगैरह बहुत कम मिलता है। एंड इसका जो वोकल्स वगैरह भी है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, एंड इसको मैं रखता हूँ नंबर 2 पे। एंड बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे यहाँ पर है मेरे पास जबरोनिक्स ट्यूलिप। इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है, मतलब यहाँ पर आपको मिलता है 14 mm का ड्राइवर, तो जिसकी वजह से इसका जो बेस वगैरह है थोड़ा सा अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू ये दोनों ईयरफोन्स, तो इसको मैं रखता हूँ नंबर 3 पे। एंड बात करते हैं नंबर 4 पे, एंड नंबर 4 पे है जबरोनिक्स क्लैक्स। एंड इसकी जो बर्ड वगैरह की डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक है, एंड ओवरऑल जो इसका लुक वगैरह आप यहाँ बैक से देख सकते हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है ईयरफोन। एंड इसको मैं तो नंबर 4 पे, क्योंकि जो बेस वगैरह है ये सब सारे ईयरफोन से थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस आता है। एंड बात करें पर नंबर 5 पे, वो है जबरोनिक्स बड्स 30। एंड इसको मैं अराउंड 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है, फिर इसका जो बेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। मैंने अपने फ्रेंड से एक सजेशन वगैरह लिया ये 5 में से, तो उसको यहाँ पर जो बस 30 है इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है। एंड यहाँ पर आपको देखिए एक मल्टी फंक्शन बटन मिलता है, ये देखिए आपके यहाँ पर 3 बटन का सेटअप मिलता है। एंड आपको मैं इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर इसको जो प्राइस वगैरह था बीच में 299 हो गया था, बट इसकी जो प्राइस वगैरह वापस से ड्रॉप होकर 199 हो गई है। एंड यहाँ पर मैंने इसको एक सेम ही एक पेयर में ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है या फिर इसका जो लुक वगैरह है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए मेरा 5वां ईयरफोन है, एंड इसका जो रिव्यू वगैरह है मैं वीडियो में दे चुका हूँ, तो इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह कैसी है, आपको इसमें से कौन सा परचेस वगैरह करना चाहिए। एंड यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी ईयरफोन का आपको वीडियो वगैरह देखना है, तो इसकी जो लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एंड मैं होप करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड।